बिहार के बगहा में एक आदमखोर बाघ ने आज फिर दो लोगों को अपना शिकार बनाया है। इस बाघ ने एक माँ और बेटे की जान ले ली है। मामला बगहा के गोवर्धना थाना के बलुआ गांव में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का है। मृतकों की पहचान बलुआ गांव के बहादुर यादव की पत्नी सिमरिकी देवी और उसके 7 साल के बेटे शिवम कुमार के रूप में हुई है। इस घटना के बाद से गांव के लोग गन्ने के खेत में बाघ की तलाश कर रहे हैं। बाघ ने अब तक 9 लोगों को मार डाला है। पिछले 48 घंटे में बाघ ने 4 लोगों को अपना शिकार बनाया है। बता दें कि बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बगहा के लोग एक बाघ के कारण दहशत में हैं। करीब 1 दर्जन गांव के लोग पहले से ही दहशत के कारण खेतों में नहीं जा रहे थे। इस बीच बुधवार की रात सिंगाही गांव में घर में सोई 12 वर्षीय बच्ची को भी बाघ ने मार डाला था। इस घटना के बाद अब लोग घर में रहने से भी डर रहे हैं। हालांकि पिछले 26 दिनों से वन विभाग की टीम बाघ को खोजने में जुटी है। वन विभाग के एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि गोवर्धना थाना क्षेत्र के सिंगाही गांव में बुधवार की रात अचानक बाघ ने दस्तखत दे दी और रमाकांत माझी की पुत्र अपने घर में सोई हुई थी। इसी बीच शिकार की खोज में भटकता हुआ बाघ उसके करीब पहुंच गया। बाघ ने बगड़ी कुमारी के ऊपर हमला कर दिया, उसे खींच कर ले जाने लगा। लड़की ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया तो लोग दौड़कर वहां पहुंचे तो बाघ एक गन्ने के खेत में बच्ची के शव को छोड़कर भाग गया। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के निदेशक नेशा मणि ने गुरुवार को बताया कि बच्ची का शव बरामद कर लिया गया है तथा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ग्रामीणों के मुताबिक बाघ पहले खेतों में काम करने वालों को निशाना बनाता था, लेकिन पहली बार वह घर पर हमला कर दिया है। जानकारों ने बताया कि आदमखोर बाघ बहुत चालाक और फुर्तीला होता है। यह हर 2 से 3 घंटे में स्थान बदलता है। हरिहरपुर गांव में जाल बिछाया गया था, जब बकरी पिंजरे के अंदर थी तो वह नहीं आया। जैसे ही बकरी को पिंजरे के बाहर बांध दिया गया, वह आया और उस पर हमला किया और उसे मार डाला। लगातार बाघ मूवमेंट कर रहा है। हालांकि कई शूटर्स की टीम वहां पहुंच चुकी है। अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार बाघ एक गन्ने के खेत में है और शूटर्स की टीम ने उसे घेरे रखा हुआ है।